नमस्कार दोस्तों, तेज गति से भागती ये भारतीय रेल यूं ही नहीं तेज भाग रही, क्योंकि इसके पीछे कुछ अनुसंधान किए गए हैं, कुछ अभिकल्प हैं और कुछ मानकों को सहेजा गया है, तभी भारतीय रेल आज तेज गति से भाग सक रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं RDSO की। तो दोस्तों, सब जानते हैं कि अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन यानी RDSO में तमाम सारी वर्कशॉप्स हैं, क्योंकि रेलवे की ये बैकबोन है और तमाम तरीके के प्रयोग यहाँ चलते हैं। मशीनरी की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, लेकिन अब तक कुछ कंपनीज़ की मोनोपोली है, जिनसे आपकी मजबूरी होती है कि आप उन्हीं कंपनी का कोई प्रयोग जो है उनके इक्विपमेंट्स आप यूज़ करेंगे। लेकिन RDSO ने आज खासतौर से संजीव भूटानी जी ने ये आयोजन करके दिखा दिया कि इसमें भी जो प्रतियोगिता है वो होनी चाहिए, यानी तमाम तरीके के वेंडर्स आएं, जो निर्माता हैं, व्यापारी हैं, वो आएं और देखें कि किस तरीके के इक्विपमेंट्स रेलवे में इस्तेमाल हो रहे हैं और क्या वो बना सकते हैं, उसमें क्या नया प्रयोग कर सकते हैं। इससे न केवल नई चीज़ें मिलेंगी रेलवे को, नहीं पूरी दुनिया को, और उसके साथ साथ रेट जो प्राइजेज हैं उसमें भी बहुत कमी आएगी। तो संजीव भूटानी जी से हम बात करते हैं। सर, आज RDSO में वेंडर मीट का आयोजन हुआ है, क्या उद्देश्य है इस आयोजन का? देखिए, RDSO जो है रेलवे का रिसर्च और डिज़ाइन विंग है, और इसमें एक हमारा बहुत इम्पोर्टेंट जो काम रहता है वो है वेंडर डेवलपमेंट का। तो जो भी सेफ्टी और क्रिटिकल आइटम रेलवे में लगते हैं, उसके लिए हम लोग वेंडर डेवलप करते हैं। काफ़ी समय से हम कोशिश कर रहे थे कि एक फिज़िकल मीटिंग किया जाए, तो कोविड के कारण ये मीटिंग संभव नहीं हो सकी। अब ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है, तो हमने आज यहाँ फिज़िकल रूप में वेंडर के साथ में मीटिंग किया है। इसमें लगभग 150 वेंडर्स जो कि देश के सभी क्षेत्रों से आए हैं, और उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और हमने यहाँ वो आइटम्स भी डिस्प्ले किए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे। इसमें हमें वेंडर्स के डेवलपमेंट की ज़रूरत है, और हम चाहते हैं कि देश में, जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुहिम चलाई है कि आत्मनिर्भर भारत बने, इंडिजिनस सोर्सेज का डेवलपमेंट देश में होना चाहिए, और इसी संदर्भ में हम ये चाहते हैं कि इन आइटम्स के लिए इंडिजिनस सोर्सेज आगे आएं और हमारे साथ जुड़ें, और इस प्रकार से हम जो भी आइटम्स में हमें सोर्सेज की ज़रूरत है, इंडिजिनाइजेशन करने की ज़रूरत है, हम शीघ्र कर देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी संदर्भ में आज ये मीटिंग यहाँ रखी गई है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मीटिंग के पश्चात हमें नए सोर्सेज मिलेंगे और इंडस्ट्री हमारे साथ में रेलवे के साथ जुड़ेगी और देश आगे बढ़ेगा। सर, हाल में हमने देखा कि कोच का बहुत सफल प्रयोग किया गया, तो ऐसी और कौन सी भविष्य में योजनाएं हैं जिनको RDSO रेलवे के लिए लाने जा रहा है? RDSO में एक जो बहुत इम्पोर्टेंट मिशन पर मिनिस्टर ऑफ रेलवे काम कर रहे हैं, वो है ट्रेन सेट, यानी कि जिसे अभी हम लोगों ने 100 ट्रेन सेट का जो ऑर्डर है, वंदे भारत के रूप में आप जानते हैं, इसका निर्माण ICF द्वारा किया जा रहा है। 100 ट्रेन सेट्स का जो है ऑर्डर ऑलरेडी किया जा चुका है, और इसके अतिरिक्त लगभग 500 ट्रेन सेट और बनाई जाएंगी, जो कुछ ही समय के बाद में इसका भी टेंडर निकाला जाएगा, और देश में ही इन ट्रेन को जो है निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त लगभग 90,000 वैगन्स का प्रोक्योरमेंट किया जा रहा है, ताकि जो भी ट्रैफिक को ढोने के लिए हमें ज़रूरत है, उनकी आवश्यकता को पूरा किया जा सके। अभी तक देश में लगभग 15,000 वैगन की ही कैपेसिटी पर साल प्रत्येक ईयर में जो है उपलब्ध थी, जिसे हम चाहते हैं कि बढ़ाकर लगभग 30,000 वैगन रेलवे का रिक्वायरमेंट है। जैसे 90,000 वैगन का टेंडर निकला है, तो रेलवे इसको लगभग 3 साल में इसकी सप्लाई की आवश्यकता है, और इस प्रकार से 30,000 वैगन प्रति वर्ष रेलवे को उपलब्ध कराने हैं। तो इसके लिए ही शीघ्र टेंडर्स जो है अवार्ड किया जाएगा, और ट्रैफिक में जो रेलवे ने रोड्स के साथ में जो कम्पीट करना है, उसके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगा।